राजनीति इस वक्त जबरदस्त भाषणों का दौर है, चुनावी समय चल रहा है, तो ऐसे समय में नपा तुला जोरदार जनता को प्रभावित करने वाला, जनता को गहरे तक पहुंचने वाला कोई ऐसा वक्ता चाहिए होता राजनीतिक दलों को जो छा जाए। कांग्रेस की ताकत को बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने अपनी एक नई विंग को एक तरीके से या एक नई जमात को मजबूत करना शुरू किया है। इसमें कन्हैया कुमार एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। कन्हैया कुमार जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार साथ में चलते रहे। एक पुराना नाम भी है, कपिल सिब्बल, जो कि कांग्रेस में नहीं है, राज्यसभा के सांसद हैं निर्दलीय, समाजवादी पार्टी के समर्थन से गए हैं। लेकिन जिस तरह कांग्रेस जैसे ही मुद्दे उठाते हैं, जिस तरह राहुल गांधी के समर्थन में रहते हैं, जिस तरह कांग्रेस और उनका संबंध आज भी खराब नहीं दिखाई देता है, ऐसा लगता है उनकी भी ज़रूरत है। तो सिब्बल ताकत तो बढ़ा रहे हैं, बेशक सीधे सीधे कांग्रेस के साथ में ना हो, आने वाले दिनों में हो भी जाए चुनाव के पहले तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं होगा। कन्हैया कुमार, कपिल सिब्बल, ऐसे वक्ताओं का इस समय पर एक्टिव होना कांग्रेस के लिए ये बताता। हालांकि कन्हैया जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से बहुत दिखाई नहीं दिए, इसकी मांग उठती रही है कि उनको कितना मौका दिया जाता है, क्या जिम्मेदारियां दी जाती, दिल्ली की जिम्मेदारी दी जाती, कहीं और की जिम्मेदारी, इसको लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहे। बहरहाल इस सबसे इतर एक और नाम है, नवजोत सिंह सिद्धू। जेल में थे लेकिन ज़बरदस्त वक्ता है, एक समय पर बीजेपी के लिए फायर ब्रांड नेता थे, बहुत अच्छा बोलते थे, उनका बोलना ही जो है वो उनकी सबसे बड़ी ताकत रही, और अब जेल से बाहर आ गए हैं। इसके बाद वो राहुल गांधी और कांग्रेस की ताकत को बढ़ाएंगे और कैसे बढ़ाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। उनकी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, यानी वो आने वाले समय में अपनी राजनीति को फिर से कैसे सक्रिय कर रहे हैं, कैसे फ्रंट फुट पर आने वाले हैं, इसका एक इशारा मिलता है। राहुल और प्रियंका से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से नवजोत सिंह सिद्धू ने मुलाकात की है, जिसके बाद ये सवाल एक बार फिर से उठने लगा है कि क्या पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू से किया गया वादा निभाएंगे राहुल गांधी? आइए इन सभी सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में देने की कोशिश करते हैं। रोडरेज मामले में सजा काटकर 1 अप्रैल को जेल से बाहर आए नवजोत सिंह सिद्धू एक्टिव हो गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद से वो मुलाकातों में व्यस्त हैं। पहले उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात कर कांग्रेस से न्याय मांगा, इसके बाद वो दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले। इसी क्रम में सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की, इसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से साझा भी की। आइए आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि राहुल और प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कुछ कहा है। सिद्धू ने गुरुवार को नई दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से मुलाकात की थी। सिद्धू ने कहा कि उनकी अपने नेताओं और पंजाब राज्य के लिए उनकी प्रतिबद्धता अटल रहेगी। सिद्धू ने ट्वीट किया था, आज नई दिल्ली में अपने गुरु राहुल जी और मित्र दार्शनिक मार्गदर्शक प्रियंका जी से मिला। आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, मुझे डरा सकते हैं, मेरे सभी वित्तीय खातों को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन पंजाब और मेरे नेताओं के लिए मेरी प्रतिबद्धता न तो झुकेगी और न ही एक इंच पीछे हटेगी। राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद खड़गे से मिलने के लिए पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। खड़गे से मुलाकात के बाद सिद्धू ने अपने ट्वीट में लिखा, 9 बार के विधायक, 3 बार सांसद, वंचितों के चैंपियन, सच्चाई की आवाज़, विश्वसनीयता, जिसका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष से मिले और उनका आशीर्वाद लिया, वो पार्टी के लिए सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य लेकर आए। इस फोटो में उनके साथ कांग्रेस नेता जयराम रमेश भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। सिद्धू ने ट्वीट किया, एक बुद्धिमान व्यक्ति के साथ एक बातचीत महीनों की शिक्षा के लायक है। संगठन की ताकत का स्तंभ केसी वेणुगोपाल से मिले और उनका आशीर्वाद दिया। आप देख सकते हैं कि सिद्धू ने एक के बाद एक कैसे मुलाकातें शुरू की है। निश्चित तौर पर अब वो कांग्रेस की जमीन को पंजाब में मजबूत करना चाहते हैं। पंजाब में एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा और बड़ी फूट हो गई थी, बहुत ज़्यादा चेहरे नहीं दिखाई देते हैं, ख़ास तौर पर अमरिंदर सिंह के जाने के बाद तो एक बड़ी चुनौती बड़ी कांग्रेस की। निश्चित तौर पर सिद्धू एक ऐसा चेहरा रहे हैं जो पहले से भी एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन अब इसको भाग्य कह लें, दुर्भाग्य कह लें, कि सिद्धू के साथ भी कुछ ना कुछ लगा रहता है। उनको जेल जाना पड़ गया था और एक ऐसे समय पर गए जब भारत जोड़ो यात्रा जैसा बड़ा मौका चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आए हैं तो ये माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बड़ा फर्क होता है। लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी क्या यही प्रदर्शन कर पाएगी? बीजेपी अपनी ताकत लगाने पूरी तरह से लगाएगी पंजाब में, वहीं कांग्रेस भी खुद को रिवाइव करने का प्रयास करेगी और सिद्धू इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मई में रोडरेज के 1988 के मामले में एक साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिसमें उन्होंने गुरनाम सिंह नामक व्यक्ति को कथित रूप से पीटा था। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। जेल से रिहा होने के तुरंत बाद सिद्धू ने कहा था कि लोकतंत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, अगर आप पंजाब को कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाल ही में लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस पर सिद्धू ने कहा था कि वायनाड के पूर्व सांसद सरकार को हिला देंगे। इस देश में जब भी कोई तानाशाही आई है, एक क्रांति भी आई है और इस बार उस क्रांति का नाम राहुल गांधी है, वो सरकार को हिला देंगे। वैसे नवजोत सिंह सिद्धू का अगला सियासी सफर आसान नहीं रहने वाला है। कांग्रेस में मकाम बनाने के लिए उनको सियासी जंग लड़नी होगी। पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता उन्हें पहले ही विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार का जिम्मेदार ठहरा चुके हैं, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान सिद्धू जिस भूमिका में रहे वो पार्टी में दोबारा बड़ी भूमिका चाहेंगे। पूर्व प्रदेश प्रधान को कांग्रेस आलाकमान का वरद हस्त हासिल है। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी भी नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की बात कह चुके हैं, तो अभी इस वादे पर वो कितने अडिग रहते हैं, क्या जिम्मेदारी दी जाती है नवजोत सिंह सिद्धू को, ये देखना होगा। हालांकि ये बात भी सही है कि एक बड़ा वैक्यूम है, कांग्रेस को भी जरूरत है अच्छे चेहरों की। अच्छे मैंने शुरुआत में ही कहा कि अच्छे वक्ताओं की, ऐसे लोगों की जो जनता के बीच में पकड़ रखते हैं, जनता जिनको सुनना पसंद करती है। 2024 के चुनाव से पहले ऐसे स्टार प्रचारकों की, ऐसे अच्छे वक्ताओं और खासतौर पर हिंदी बेल्ट के की जरूरत कांग्रेस को है। दक्षिण के अच्छे अच्छे नेता हैं और कई ऐसे नेता रहे हैं जिनको ये कहा जाता रहा है कि वो एसी रूम के नेता रहे हैं या जनता के बीच के नेता नहीं रहे हैं, तो ये एक बड़ा प्रश्न हमेशा से रहा है। अब देखना होगा कि ज़मीन से जुड़े हुए वो नेता जिनमें सिद्धू का नाम आता है, जिनको जनता भी पसंद करती है या जिनके जो तीखा अंदाज है उसको चुनाव के दौरान काफ़ी भुनाया जाता है, स्टार प्रचारक के तौर पर उनको देखा जाता है, उनका कितना फ़ायदा कांग्रेस उठाती है। सिद्धू के पंजाब कांग्रेस के अधिकतर नेताओं के साथ संबंध भी अच्छे नहीं रहे। उनकी सजा के एक साल के दौरान कांग्रेस ने उनकी सुध भी नहीं ली। हालांकि मनप्रीत सिंह बादल जैसे नेता उन्हें पटियाला जेल में मिलने पहुंचते रहे, लेकिन ये भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा चुके हैं। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनके संबंध जग जाहिर हैं। कैप्टन से मुख्यमंत्री पद छीनने और उन्हें पार्टी से बाहर करने के लिए सिद्धू को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। सिद्धू के इस हौसले और आक्रामक शैली के पीछे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनकी निकटता को माना जा रहा है। कैप्टन और सिद्धू के बीच खींचतान जब चरम पर थी, आलाकमान ने सिद्धू की मांग को स्वीकार करते हुए सुनील जाखड़ को हटाकर उनको प्रदेश अध्यक्ष का ओहदा भी दिया। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार के दौरान भी वो मुखर रहे, क्योंकि कैप्टन के बाद वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी माने जाते थे, वो खुद भी चाहते थे, जिसे लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी दावेदारी पेश कर दी थी। ये आजकल राजस्थान के प्रभारी हैं, ये भी गौर करने वाली बात है, यानी रंधावा की पैठ भी शीर्ष नेतृत्व में अच्छी खासी है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई तो खामोश बैठे पंजाब कांग्रेस के अधिकांश सीनियर नेता खुलकर सिद्धू के खिलाफ हो गए और हार के लिए उनको ही सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। सिद्धू पर पार्टी में फूट डालने के आरोप भी कांग्रेस नेता लगाते रहे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। कांग्रेस ने उसके बाद करारी हार को देखा है, एक शांति जैसी दिखाई देती है, जैसा मैंने कहा एक वैक्यूम भी दिखाई देता है। और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू, जिनका कद रहा है, जिनको शीर्ष नेतृत्व का वरद हस्त प्राप्त है, आप देख रहे हैं कि सिर्फ राहुल और प्रियंका नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, ये सब लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकातें स्पष्ट तौर पर बताती हैं कि सिद्धू को अब पार्टी में एक्टिव होने की जितनी जरूरत है उतनी ही पार्टी को भी सिद्धू जैसे एक चेहरे की जरूरत है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।